लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के चेयरमैन इकबाल जैडम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, फेस्टिवल शुरू हो गया, बड़ी रौनक देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान में इस तरह के फेस्टिवल का आगे फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा है जी, 2 साल के बाद हो रहा है। हुकूमत पंजाब ने बड़ी मदद की है, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और दूसरा ये कि 41 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, बहुत सारे स्पेनिश एम्बेसडर आई हैं, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर और कई लोग आए हैं, और सब ने ये कहा कि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान का इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। मुझे वो वियतनाम की एक खातून आई, वो कह लेंगे जी हम वियतनाम में पाकिस्तान का इम्प्रेशन बहुत गलत है, तो मैं आई हूँ तो यहाँ तो देख के मैं हैरान रह गई हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा एफर्ट है, हुकूमत ने पूरा सपोर्ट किया है, ये ऐसे और होने चाहिए और बहुत होने चाहिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि 41 फॉरेन पार्टिसिपेंट इसमें हैं, तो ये एक इंटरनेशनल शक्ल बन गई इसकी इंटरनेशनल, जिस तरह के लंदन में एक हे फेस्टिवल होता है या इंडिया में जयपुर बुक फेस्टिवल होता है, उसके मुकाबले में ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। ये 10वां साल है और हो रहा है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि बहुत कामयाबी से हो रहा है। रज़ी अहमद जो कि बेटा है उसकी ये ब्रेन चाइल्ड है, ही हैज़ ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, सारा फ्रॉम हर चीज़ में वो करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो डेकोर वगैरह करता है, और प्रोडक्शन इज पुट टुगेदर बाय फसी अहमद, वो न्यूज़ी के एडिटर भी हैं। सो इससे टीम वर्क, बहुत लोग साथ हैं, इससे कोई पाकिस्तान के सकाफ़ती वफूद जो हैं दुनिया में जा सकेंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग और ये जो होती हैं ये अवेलेबल होती हैं, और बहुत लोग सुनते हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी सुनता है, और फॉरेन इम्पोर्टेंट फॉरेन मीडिया और प्रेस और लिटरेरी और कल्चरल लोग भी समझते हैं। ये लंदन में भी हुआ है, न्यूयॉर्क में भी हुआ है, और इस साल इंशाल्लाह लंदन में भी दोबारा होगा।